नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आज सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई थी कि आशीष मिश्रा को जेल मिलेगी या बेल। तो फैसला आ गया है। फैसला ये कि आशीष मिश्रा को जेल में ही रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड मामले में आशीष मिश्रा को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि लखीमपुर मामले में 4 किसान मारे गए, आरोपी की गाड़ी वहां पर मौजूद थे और ये सबसे बड़े तथ्य हैं और ये मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। वहीं सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील ने बहस के लिए और समय मांगा है। आपको बता दें कि जस्टिस कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष की जमानत पर 15 जुलाई को सुनवाई पूरी कर ली थी और आदेश सुरक्षित रख लिया था। वैसे आशीष मिश्रा के वकीलों ने उन्हें जमानत दिलाने की पूरी कोशिश की लेकिन कोर्ट में उनकी दलीलें नहीं चल पाई। हालांकि पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ शर्तों के साथ आशीष मिश्रा को जमानत दी जा सकती है। ऐसे में कोर्ट का यह फैसला आशीष मिश्रा के लिए एक तगड़े झटके की तरह है। अब अगली सुनवाई 10 अगस्त को है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि आशीष के वकील एक बार फिर से कोर्ट में रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने 10 फरवरी 2022 को आशीष को जमानत दे दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी और फिर से सुनवाई की बात कही थी, जिसके बाद एक बार फिर से आशीष को जेल जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि पीड़ित पक्ष को सुनवाई का पूरा मौका देकर आशीष की जमानत अर्जी पर नए सिरे से आदेश पारित किए जाए और इसी के बाद से हाई कोर्ट में नए सिरे से सुनवाई शुरू हुई थी। इस बीच 9 मई 2022 को हाई कोर्ट ने इस केस के 4 आरोपियों की जमानत अर्जी भी ये कहकर खारिज कर दी थी कि वे राजनीतिक रूप से बहुत पहुंच वाले लोग हैं जो छूटने पर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी की तिकोनिया में गाड़ी चढ़ाने का मामला आया था। इसमें हिंसा हुई थी जिसमें 4 किसानों समेत टोटल 8 लोगों की जान चली गई थी और इस मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। काफी ज्यादा सियासत भी इस पर हुई थी। आशीष को बड़े सवालों के बीच में पकड़ा जाता है, फिर जमानत मिल जाती है, वो जेल से रिहा होकर आता है, चुनाव के दौरान ही अचानक से उसकी जमानत खारिज कर दी जाती है, उसको फिर से जेल हो जाती है और ये केस अब तक कैसे चला वो हमने आपको बताया ही। तो आपकी क्या राय है इस पर, अपनी राय जरूर रखिएगा। यूपी तक देखते रहिए, तफसील से खबरों को यूपी तक डॉट इन पर पढ़ते रहिए।